खैर है माजबीन है, क्या हो गया है? घबराई भी लग रही हो, परेशान लग रही हो, हैं? अचानक आ गई मैं इसलिए। जाहिद आया था? जी। काल पे बात हुई थी उससे, ठीक तरीके से बात नहीं की उसने मुझसे। अब करेगा भी क्यों है? मेरे से मकसद जो पूरा हो गया, मतलब जो निकल गया। नहीं नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाऊंगी जाहिद को। हाँ तुम ही तो समझाओगी उसको माजबीन। अगर मेरा यहाँ पे आना या हॉस्टल जाना पसंद नहीं है तो खुद बोल देती मुझको। उस लड़के के हाथों बेइज्जत करवाने की क्या जरूरत थी? अब ये सेले दोगे मेरे खलूस के तुम? नहीं नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे नहीं समझे। अरे माजबीन, वार्डन ने मुझे खुद बताया है कि बेगम साहब ने आर्डर लगाए हैं कि अब यहाँ सिर्फ जाहिद साहब आएंगे। देखो तुझे, अब वो कल का दर्जी जाहिद साहब बन गए। अरे नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आपके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर तफसील से आपको सब बताऊंगी। रहने दो बीबी, ए चाय और इन बातों में मुझे ना उलझाओ। मुझे साफ साफ बताओ माजबीन के माजरा क्या है। आपा मैं जाहिद का इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी कि वो मुझसे मुखलिस है कि नहीं। इम्तिहान उसके ले रही थी, टेस्ट मेरा करवा दिया तुमने। बेटे इस बात बता दिया करती है। अच्छा चलो कोई नहीं, पैसे तो पूरे दे के गया है ना, गिन लिए थे ना सारे पैसे हैं? हाँ पा पैसे पूरे हैं, बस वो बता रहे थे कि 6 लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। मेरे इल्म में नहीं है यह बात। हाँ ये बताना था तुमको कि पिछले महीने से फिर कमरा 1000 रुपये बढ़ा दिया था, मैंने पैसे ज़्यादा होने चाहिए। और देखो माजबीन, मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, ये बात अब तुम्हें पता चल जानी चाहिए। नहीं आपा ये बात मुझे पता है, मेरे पास सिर्फ आप ही तो हैं, मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। अरे माजबीन ये देखो, ये तुम्हारी प्यारी बातें होती हैं जो मेरे दिल में जाके लगती है, मैं खींची चली आती हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है अच्छा ये देखो, कुछ पैसे है ना मुझे ला के दो, मैं खुद से जब तक नहीं गिन लूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी या ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं लेके आती हूँ।